हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विजय शर्मा। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। इसमें आपको हैगो का एक नया वर्जन अपडेट आया है, आप जैसे कि देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्राइवेसी कैसे लगते हैं, क्योंकि इस रूम में प्राइवेसी नहीं दिया गया है। फिर भी आपको मैं बताऊंगा कि प्राइवेसी कहाँ से लगते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिए हुए हैं। तो इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो मैं आपको पूरे वीडियो आप देखें, ठीक है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप देखें और समझें, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जहाँ पे आप इनवाइट करते हैं वहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। चैट रूम भी सब कुछ सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग की जगह पे आप देख सकते हैं, पहले गोला था और यहाँ पे आप कुछ दूसरे टाइप का निशान दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए, सेटिंग ऐसे खुल गया। अब यहाँ पे नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए बिल ब्रॉड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरा यूट्यूब का लिंक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चैनल हो गया, यहाँ पे मेरे रूम का नाम हो गया लव यू सिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, मेरे रूम का नाम है लव यू सिस्टर। यहाँ पे देखिए, नीचे दिया हुआ है दो यूजर एंड द चैनल, ठीक है। यहाँ पे मैं दो चैनल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप पार्टी सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक न्यू चैट रूम भी बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। काफ़ी बहुत ही अच्छा इसमें चेंजिंग हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप रूम चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप नाम लिख दे, कुछ भी नाम लिख करके आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, आपको यहाँ पे नया नाम सेव हो जाएगा। तो मुझे नाम ये सेव नहीं करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना है। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें ये कैसे होता है, ठीक है, प्राइवेसी कैसे होता है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी, मैं दूसरे रूम में आ गए थे हम। तो हम आपके चैट रूम में आ गए हैं, हम फिर से सेटिंग में चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड के में जाते हैं, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक नया बैकग्राउंड आया है यहाँ पे। ये पहले ये सब था, यहाँ पे एक छः बैकग्राउंड था, ठीक है। अब ये नया बैकग्राउंड आया है, चांद वाली, हाँ देख सकते हैं। तो ये भी आप, ये जो नया पे अभी आया है ना, ये इंडोनेशिया की आईडी में दिया हुआ था ये वॉलपेपर। ये थीम जो है इंडोनेशिया में दिया हुआ था, लेकिन इसमें इंडिया में भी दिया है, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्टर, तो एडमिनिस्टर मैंने जो बनाया है वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना भी सकते हैं, जैसे कि सारा कुछ वैसे सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वेटिंग में है वो आप नीचे देखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आप नीचे नहीं देखेगा, यहाँ पे आपको देखेगा, ऐड पे जाओगे, जो ज्वाइन करेगा वहाँ पे आप ऐड पे जाओगे, यहाँ पे देखना, इस पे नीचे में आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल ज्वाइन नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हैं पासवर्ड सेटिंग, तो पासवर्ड सेटिंग में आते हैं, तो यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, फ्री मोड है, यहाँ पे पासवर्ड है। तो पासवर्ड में हम कुछ भी लगाते हैं तो पासवर्ड यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड लग गया, पर प्राइवेसी का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। यहाँ पे हम उसको अनलॉक कर देते हैं, हम ढूंढते हैं प्राइवेसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूट ऑल है, यहाँ पे कुछ भी नीचे टाइप करेगा तो कुछ भी टाइप, कुछ भी लिखेगा, कोई भी कुछ भी लिखेगा तो कुछ टाइप नहीं होगा। नीचे जो कोई मेंशन करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे म्यूट लगा हुआ है। तो चलिए हम म्यूट, देखिए नीचे ये कुछ भी टाइप करेगा तो टाइप नहीं होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे, चलिए इसका म्यूट हम नीचे वाली खोल देते हैं, यहाँ पे खोल दिए हैं। और यहाँ पे डिलीट रूम है, अगर आप एक्स्ट्रा चैट रूम बना लिए हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएंगे, यहाँ पे मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, अच्छा है, सेम है सब कुछ। तो मुझे प्राइवेसी रूम का ये नहीं मिला, तो मैं जा रहा हूँ प्राइवेसी को ढूंढने के लिए। तो आपको बताऊँगा कि प्राइवेसी कहाँ से मिलेगा, तो आप भी प्राइवेसी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सेटिंग में क्लिक किए, सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लव यू सिस्टर लिखा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मोर फन इन द चैनल, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है,
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पार्टी खुल जाएगा, ठीक है। ऊपर में देखना आप, ऊपर में जहाँ पे लिखा है लव यू ट्रेन, उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इनवाइट, जिसको आप इनवाइट भेजना चाहते हैं उसको आप इनवाइट भेज के आप एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट आप जिसको पोस्ट भेजना चाहते हैं ओनली मी, अगर आप ओनली आप सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओनली मी कर दीजिए, नहीं आप ऑल भेज सकते हैं तो यहाँ पे ऑल कर दीजिए, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आ गया है नीचे चैनल टैप। चैनल टैप में यहाँ पे देख सकते हैं मैं प्राइवेसी कर दिया है, प्राइवेसी यहाँ पे पहले से ही कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और मैनेजमेंट पे जाते हैं, मैनेजमेंट पे सब कुछ वही है, चैनल प्रोबे डिसेबल वॉइस चैट सब कुछ सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल के यहाँ पे कर देते हैं सब कुछ, यहाँ पे सारा कुछ है और मैंने कर दिया है, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको चलता हूँ और ले चलता हूँ आपको प्राइवेसी रूम में, ठीक है, कि प्राइवेसी कहाँ लगा कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेसी रूम में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्राइवेसी कैसे होता है, तो यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो हम आ जाते हैं प्राइवेसी, यहाँ देखिए मेरा रूम प्राइवेसी लग गया है, ये दूसरा चैट रूम में प्राइवेसी लग गया है। यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन दिया है और फ्री का भी दिया है, प्राइवेसी के सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो ऐसे ही करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इसमें इमोजी भी कुछ चेंजिंग दिया हुआ है देख सकते हैं इसमें इमोजी भी कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही चेंजिंग इमोजी दिया है, क्या बात है। यहाँ पे ये पहले वाली इमोजी यहाँ पे नीचे है और नई वाली इमोजी ऊपर दिया गया है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इसमें भी चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। तो चलिए आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पता नहीं है कि ये चैट रूम के बारे में कि लॉक कहाँ से होता है और लॉक कहाँ से होता है और प्राइवेसी कहाँ से होता है, तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल घंटा को दबा दें, ताकि मेरा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। बाय, थैंक यू।